शिक्षक यदि विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो वह भी उनके परिवार का पालन पोषण और अच्छे स्कूल में पढ़े उनके बच्चे यह मेहनत करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिन्होंने ज्वाइनिंग तो कर ली और पढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके बदले में उनको मिलने वाला वेतन आज तक नहीं मिला है, जिसको लेकर करीब 150 से अधिक शिक्षक पिछले 6 महीने से परेशान है, जिसमें महिला शिक्षिकाएं भी शामिल है। उन्होंने स्कूल के प्रभारी अधिकारियों से लेकर तो जिला शिक्षा अधिकारी को करीब 10 बार शिकायत की है, लेकिन आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर वीर सिंह चौहान को समस्या बताई। जब लोकल 18 की टीम ने शिक्षक जितेंद्र काजले से बात की तो उनका कहना है कि मैं बालाघाट से आकर यहाँ पर शिक्षक की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे 6 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं मिला है, जिस कारण मैं अपने मकान का किराया भी नहीं भर पा रहा हूँ और मेरे साथी अन्य शिक्षक भी उनके बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो हमें राशन लेना भी मुश्किल हो गया है। दुकानदारों ने हमें राशन देना मना कर दिया है, हम उनके उधारी के पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे पास खर्च करने के लिए भी राशि नहीं है। ऐसे में हम अब विभाग के पास आग्रह कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए आज हमने डिप्टी कलेक्टर वीर सिंह चौहान को समस्या से अवगत करवाते हुए वेतन मिले इसकी गुहार लगाई है। जब डिप्टी कलेक्टर वीर सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि यह सहायक शिक्षक है, इनका 3 से 4 महीने का वेतन बकाया है, इसको लेकर समस्या आई है, शासन स्तर से पत्राचार कर वेतन कराया जाएगा। अलग अलग संकुल से आए हैं, 4-5 संकुल है, 3 डेढ़ तला ही है, तावरा है और दवीपोड़िया है, तुकई थड़ है। और क्या है कि हमारी जो पेमेंट है 3 महीने की और 6 महीने की रही है, जो पहले जो आई नहीं है, बाकी इसके बाद की तो चालू है। तो अभी क्या है, जो हमारी पेमेंट के लिए हम जैसे नावरा संकुल वगैरह में गए थे और ब्लॉक में भी गए, पर वहाँ से उनने बताया कि आगे आप संपर्क करें, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए थे। कितने शिक्षक हैं जैसे आप लोग? कितने मतलब सर? 35 लोग हैं, अभी ज्ञापन देने के लिए 35 लोग हैं, बाकी सर अलग अलग, जैसे मान लो किसी के 3 महीने के बाकी है, किसी के 6 महीने के बाकी है। सब यहाँ लोकल के हो कि ट्रैवल? सर ट्रैवल वाले हैं, रहने वाले बाहर से? रहने वाले सब बाहर के हम लोग। नवनियुक्त सहायक शिक्षक है ये लोग, इनको 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है, वेतन तो इसके संबंध में हम लिखा पढ़ी करके क्या दिक्कत है ये पता करें, क्या हल निकाले हैं? इसका हल यही शासन स्तर पे ही लंबित हो गए, पेमेंट वगैरह का जो बजट की प्रॉब्लम है, अब विभाग से बात करके इसका निराकरण।